कहते हैं कि एक मरतबा रात और दिन के दरमियान मुनाज़रा हुआ, दिन ने रात को कहा कि तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, मैं दिन हूँ और दिन के अंदर सूरज निकलता है, हर तरफ रोशनी होती है, दुनिया के कारोबार चलते हैं, दफ्तर चलते हैं, एक दूसरे के साथ कारोबारी मुलाकातें होती हैं और हंगामे दुनिया चलता ही दिल के अंदर है, हरकत होती है, बरकत होती है, रिस्क मिलता है, तो सारी दुनिया का निजाम दिल की वजह से कायम है। उसने पूछा और उसने कहा कि देखो जोहर और असर की दो नमाजें दिल में होती हैं, मुझे ये सआदत हासिल है। तो रात ने कहा कि अच्छा आप मेरी बात सुनो कि दिन में दफ्तर खिलते हैं, कारोबारी मुलाकातें होती हैं, मैं रात हूँ, रात में अंधेरा होता है और अंधेरे में अल्लाह वालों के मुसल्ले बिछते हैं और उन मुसल्लों पे बैठ के वो अपने अल्लाह से सरगोशियाँ कर रहे होते हैं, अल्लाह से मुनाजात कर रहे होते हैं। तो ये मोहब्बत की बातें हैं ये रात ही को होती हैं, पूरी पूरी रात मसल्ले पे बैठ के औलिया अल्लाह गुजार देते हैं। औलिया अल्लाह के जो कुलूब हैं वो शम्सुल आरिफीन, वो तो मार्फत के सूरज हैं। और फिर ये भी सोच लो कि अल्लाह ताला आसमान दुनिया में जो नुज़ूल फरमाते हैं तो हदीस में आता है कि रात के आखिरी पहर में और ऐलान होता है हल मिन साइलिन फ़ुअला, है कोई सवाल करने वाला जिसको कि मैं अता कर दूँ। तो ये ऐलान अल्लाह की तरफ से रात के आखिरी पहर में होता है, यानी अल्लाह का इनाम इतना होता है कि बाकायदा पूछा जाते हैं कोई सवाल करने वाला कि मैं उसको अता कर लूँ। फिर एक और बात कि मुहब्ब और महबूब की मुलाकात रात में ही होती है, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को मेराज पर रात को बुलाया था। इशा की नमाज अदा करने के बाद नबी शाम मेराज पर आसमानों पर तशरीफ ले गए थे, तो वो दिन में मुलाकात नहीं हुई थी, वो रात में मुलाकात हुई। तो रात ने कहा कि देखो मुहब्ब और महबूब की मुलाकात रात में हुई और दिन तुम जितनी मर्जी जोर लगा लो कि तुम बड़े अहम हो और कीमती हो, एक रात रमजान में ऐसी है जो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। तो 1000 महीने के दिन एक तरफ और एक रात की इबादत एक तरफ, तो मेरा मुकाबला ही नहीं कर सकते। इस बात पर आकर दिल ने मान लिया कि वाकई रात की बरकतें दिन से ज्यादा हैं। तो रमजान मुबारक पूरा का पूरा बबरकत है, मगर रमजान में भी रमजान के दिन से रमजान की रात और ज्यादा अफजल होती है। नबी साहब ने इरशाद फरमाया रमजान की हर रात में कबीला बनू कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर जहन्नमी अल्लाह जहन्नम से बरी कर देते हैं। जब हर रात में करोड़ों जहन्नमी जहन्नम से बरी होंगे तो भाई हमारे लिए भी इस पैसी गंगा में हाथ धोना आसान है। हम भी अभी से नियत करें कि अल्लाह हमें रमजान मुबारक की रातों में खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमा और हमें भी अपने उन बंदों में शामिल फरमा जो रमजान मुबारक में बख्शे जाएंगे और उनके गुनाहों को धो दिया जाएगा।